श्री देवी भी बहुत खूबसूरत है, ये भी मन को मोह लेती थी, ठीक है, लेकिन की लड़की है वो जिम से ही बाहर निकलती रहती है, उसको पता ही नहीं है कुछ। देखिए तुमने क्या नाम है श्रीदेवी की लड़की का, निखिल, पता नहीं, गूगल करोगे? ऐसे तो मैं ही हूँ यार। चलो भाई, तुम्हें पता होना चाहिए यार, नई उम्र के बच्चों को नहीं पता है तो सही में ध्यान नहीं आ रहा, बच्चा आएगा ध्यान थोड़ी देर में, ठीक है। कथक में आप लोग सिर्फ महाराज जी याद रखेंगे, मैंने बता दिया, कथक में इंपोर्टेंट नहीं बताया, बता दिया मैंने। वो है, क्या नाम है, जाह्नवी। वैसे जिम से ही बाहर आती रहती है, तुम देखोगे ना कभी ऐसे बॉलीवुड वालों के, इनके पास काम धंधा तो है नहीं, काम की फिल्म बनाते नहीं, तो इनको तुम जब कभी भी देखोगे जिम से ही बाहर आते रहेंगे, वही वीडियो ही अपनी शूट करवाते हैं जिम वाली, और उन्हीं वीडियो पे चलाते हैं। और हिंदुस्तान में तुम्हें पता है कि जैसे अभी चल रहा है पतली कमरिया, हाय हाय हाय, तो मतलब मूर्ख हो रहे हैं, इनके माँ बाप इनको मिले, इन लड़कियों में चांटे लगाए, इन लड़कों में चांटे लगाए कि तुम भैया स्कूल क्यों भेजे जा रहे हो, तुम पतली कमरिया हिलाने के लिए, हाय हाय करने के लिए स्कूल भेजे जा रहे हो, इनके लिए डंडा होना चाहिए। और फिर पता है क्या करते हैं, फिर अपने टीचर्स के ऊपर भड़ास निकालते हैं कि उसने हमको पढ़ाया नहीं, फिर बहुत सारे बच्चे नशे का शिकार हो जाते हैं, फिर भारत माता पे कमी निकालते हैं, फिर देश में कमी निकालते हैं। इनको मतलब जो शिक्षा ये लेनी है ना, जो इनकी उम्र है वो इनको नहीं लेनी है, अभी इनको वीडियो बनानी है पतली कमरिया हाय हाय हाय, मारे जाओगे बेटा सब, जो कोई भी तुम में से भी ऐसा कुछ करता होगा।